ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते ढसोली गांव में राशन डिपो के सेल्समैन पर राशन न देने का आरोप लगा है। स्थानीय निवासी जसवंत सिंह ने आरोप लगाया कि वह डिपो में राशन लेने के लिए गया, लेकिन वहां पर उसे राशन नहीं दिया गया और उन्हें खाली हाथ वापिस भेज दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सेल्समैन ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। जसवंत सिंह ने प्रशासन से सेल्समैन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ सेल्समैन दलिंदर पाल सिंह उर्फ कालू का कहना है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। उक्त व्यक्ति जसवंत सिंह राशन लेने के लिए आया, वे अपने साथ राशन कार्ड तो लाया लेकिन फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं लाया था और उनसे गुजारिश की कि राशन कार्ड की मेंबर को लाना पड़ेगा, अंगूठा लगाकर ही राशन मिलेगा। लेकिन जसवंत सिंह गुस्से से वहां से चला गया और राशन ना लेने की बात कही। सेल्समैन ने बताया कि उन्होंने किसी भी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। निवेदन यह है कि मैं 2-3 बार कल राशन लेने के लिए डिपो पे गया, वहाँ मेरे को राशन नहीं मिला और मेरी उम्र जो है वो इस वक्त 71 ईयर है और मैं थोड़ा चलने फिरने में भी इतना समर्थन नहीं रखता और आगे ये है कि ये बच्चे लेकर भी गया मैं, क्योंकि उनके पे अंगूठा वगैरह लगवा ले तो वो कहने लगा इनके भी बच्चों के भी अंगूठे नहीं लगते, तो ऐसे इसने मेरे साथ बदतमीजी की। और जब दारू में मेरे ख्याल दारू पी हुई थी क्योंकि इसके हाथ काम रहे थे, इसलिए ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये जो सेलमैन है ये जहाँ का नहीं होना चाहिए, सबके आगे मेरी प्रार्थना यही है। यानी ये जो आदमी है इसने गाड़ी रखी हुई है, जब शाम का टाइम होता है तो गाड़ी में लोड करके ये चावल आटा लोगों के सामने पता नहीं कहाँ ले जाता है, किसको देता है, ये हमें मालूम नहीं। ऐसा तो सर कुछ नहीं हुआ, ये 3 कार्ड लेकर आए थे तो मैंने उनको बोला कि बायोमेट्रिक सिस्टम है, आप इन बंदों को बुलाओ अंगूठा लगाने के लिए। तो उन्होंने एक बच्चा लाया था साथ में, उनका अंगूठा ही लगा और फिर मैंने सामान नहीं दिया उनको, मतलब बिना अंगूठे से मैं कैसे सामान दे देता हूँ। वो झूठे ब्लेम लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हम तो कार्ड होल्डरों को सामान देते हैं। उज्ज्वल हिमाचल के लिए राजा का तालाब से रशपाल सिंह सोनू। जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट नगरोटा भगवान कांगड़ा।